हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल पे। आज हम बात करेंगे फीटल पोजीशन यानी कि गर्भ में बेबी की पोजीशन के बारे में। फीटल पोजीशंस को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीटल लाय क्या होता है। लाय फीटस के लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं। टाइप्स ऑफ फीटस पोजीशंस। फीटल पोजीशंस मेनली तीन टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में बेबी का बॉडी एक्सिस मदर के बॉडी एक्सिस के पैरेलल होता है, जबकि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में मदर का बॉडी एक्सिस फीटस के बॉडी एक्सिस के 90 डिग्रीज के एंगल पर अलाइंड होता है। ओब्लिक प्रेजेंटेशन में बेबी का बॉडी एक्सिस मदर के बॉडी एक्सिस से डायगनली अलाइंड होता है। इस वीडियो में हम इन पोजिशन को डिटेल में समझेंगे। लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन फीटल लाय की सबसे कॉमन पोजिशन है। 99% प्रेगनेंसी केसेस में यह पोजीशन पाई जाती है। इसके भी दो प्रकार हैं, ब्रिज और सिफेलिक। अगर फीटस का बॉटम पार्ट या फीट नीचे की तरफ है तो इसे ब्रिज पोजीशन कहा जाता है। और एक नॉर्मल डिलीवरी में जो पोजीशन होती है जिसमें बेबी का हेड डाउन और उसका चिन चेस्ट के साथ टक्ड रहता है, उसे सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आइडियल पोजीशन होती है। वेरिएशंस इन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में भी कई तरह के वेरिएशंस होते हैं। इसका कारण है मटर्नल पेल्विस का कई क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होना, जैसे कि लेफ्ट और राइट, पोस्टीरियर और एंटीरियर। इनके अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में भी इन अलग अलग पोजीशंस को अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन एक रेयर सिचुएशन है, जिसका मतलब है बेबी इज लाइंग साइडवेज इन द वूम्ब। इस पोजीशन में यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस और फीटस के लॉन्ग एक्सिस के बीच में 90 डिग्रीज का डेविएशन होता है। ये लगभग 0.25 से 0.5% केसेस में देखा जाता है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन ऐसे केसेस भी हो जाते हैं। इसमें बेबी यूट्रस के हॉरिजॉन्टली पोजिशनड होता है। ट्रांसवर्स फीटल लाय होने पर बेबी की पीठ या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पोजिशन हो सकती है। वेरिएशंस इन ट्रांसवर्स पोजिशन। डाउनवर्ड पोजीशन होने पर बच्चे की पीठ बर्थ केनाल को फेस करते हुए पोजीशनड रहती है, जबकि एक शोल्डर बर्थ केनाल की तरफ पॉइंटेड रहता है। अपवर्ड पोजीशन में हैंड्स और फीट बर्थ केनाल को फेस करते हुए पोजीशनड रहते हैं। ट्रांसवर्स पोजीशन अर्ली प्रेगनेंसी में कॉमन है, क्योंकि तब बेबी के पास मूव करने के लिए इनफ स्पेस होता है। आइडियली प्रेगनेंसी के फाइनल वीक्स में बेबी को हेड डाउन पोजीशन ले लेनी चाहिए, वरना ये सिचुएशन डिलीवरी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देती है। बेबी की इस तरह के मिस पोजिशनिंग के कई रीजंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ रीजंस जिनके कारण बेबी ट्रांसवर्स पोजीशन में आ जाता है वो है यूट्रस की एबनॉर्मैलिटी, सर्विक्स में सिस्ट का होना, पेल्विक स्ट्रक्चर, प्लासेंट्रल पोजीशन एक्सेट्रा। डॉक्टर्स इसे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इस पोजीशन में बच्चे का सर पेल्विस इनलेट के ठीक साइड में होता है, जो कि लगभग ऑप्टिमल हेड डाउन पोजीशन की तरह ही प्लेस्ड होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा घूम जाए तो उसका सर पेल्विक इनलेट की सीध में आ जाएगा और ये सिचुएशन ट्रांसवर्स से यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की तरह हो जाएगी। ओब्लिक प्रेजेंटेशन में फीटस की पोजिशनिंग मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से 45 डिग्रीज के डेविएशन पर होती है। ये 0.25 से 5% प्रेगनेंसी केसेस में देखा जाता है। ऑब्लिक प्रेजेंटेशन को भी मैल प्रेजेंटेशन ही माना जाता है और उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एबनॉर्मली शेप्ड यूट्रस, बेबी का साइज पेल्विक साइज से बड़ा होना, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना या फिर एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड का होना। ऑब्लिक लाय का सबसे बड़ा रिस्क है कि इस पोजीशन में बेबी का हेड यूट्राइन आउटलेट के पास होने की पोजीशन में नहीं होता, इसलिए ये डिलीवरी में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है और इस वजह से अक्सर सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी करवाई जाती है। ओब्लिक से सिफेलिक यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में टर्न करवाने के कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ खास तरह के योगा आसन जैसे कि डाउनवर्ड डॉग, बर्थिंग बॉल का यूज, स्विमिंग, स्क्वाटिंग पोजीशंस एक्सेट्रा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।